नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 8 Pro 5G वर्सेस OnePlus Nord 2 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 6.35 इंच जबकि Nord 2 में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Reno 8 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 2.92 इंच जबकि Nord 2 में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Reno 8 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Reno 8 Pro 5G में 0.29 इंच जबकि Nord 2 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 8 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 8 Pro 5G में 183 ग्राम जबकि Nord 2 में 189 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 8 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में AMOLED जबकि Nord 2 में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Reno 8 Pro 5G में 20:1:9 जबकि Nord 2 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि Nord 2 में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 8 Pro 5G में 1080x2412 और Nord 2 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 8 Pro 5G में 90.61% जबकि Nord 2 में 85.59% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 8 Pro 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nord 2 में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Reno 8 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nord 2 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 8 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nord 2 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में Mali-G610MC6 जबकि Nord 2 में Mali-G77MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max और Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200MT6893 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 8 Pro 5G में 12GB की RAM मिलती है, जबकि Nord 2 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 8 Pro 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nord 2 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में Android V12 जबकि Nord 2 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो रीनो 8 प्रो 5G में दो कलर्स जबकि नॉट 2 में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रीनो 8 प्रो 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 4599 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नॉट 2 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 27999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 34999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो रीनो 8 प्रो 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें वन प्लस नॉट 2 की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नॉट 2 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में रीनो 8 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा वीवो IQ7 है, तीसरा वीवो X60 Pro Plus है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।